हे गाइस, वेलकम टू मैथ्स लर्निंग। तो इस वीडियो में फिजिक्स लाइट चैप्टर का एग्जांपल 10.2 देखेंगे। पूरा कंसेप्ट है इसमें न्यूमेरिकल का, तो लास्ट तक देखना। तो क्वेश्चन मैंने लिखा है, ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर इन साइज़। तो ऑब्जेक्ट का साइज़ यानी कि हाइट, ऑब्जेक्ट का हाइट जो कि एच होता है, ये क्या है, 4 सेंटीमीटर। इस प्लेस एट 20, देखो कॉनकेव मिरर है ना, 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर के फ्रंट में एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसका हाइट है 4, ठीक है, और कितने डिस्टेंस में रखा है, 25, ठीक है। तो 25 के डिस्टेंस में रखा है। तो देखो ये जो हाइट है ये ऊपर के साइड में है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव है ना। और ये जो लेंथ है, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u जो है, वो लेफ़्ट डायरेक्शन का डिस्टेंस है, तो इसमें निगेटिव लगेगा, ठीक है। यू हमेशा नेगेटिव ही रहता है, ठीक है, ये ध्यान रख लेना कि यू हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। फिर फोकल लेंथ दिया हुआ है, यहाँ पर मान लो कहीं फोकस है, तो फोकल लेंथ दिया हुआ है 15, तो फोकल लेंथ भी क्या है, लेफ्ट साइड का डिस्टेंस है, तो इसको भी -15, ठीक है। तो बोल रहा है एट वॉट डिस्टेंस स्क्रीन शुड बी प्लेस टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज। तो देखो इसमें क्या होता है, मैक्सिमम टाइप कॉनकेव मिरर में इस साइड इमेज बनता है ना, तो कहाँ पर कोई एक स्क्रीन रखे कि जो शार्प इमेज बने, है ना। तो यानी कि इमेज का ही डिस्टेंस निकालना है, इमेज का पोजीशन निकालना है। तो इमेज का पोजीशन निकालेंगे मिरर फार्मूला से, ठीक है। मिरर फार्मूला से हम लोग इमेज का डिस्टेंस निकालेंगे, और साइज़ निकालने के लिए मैग्नीफिकेशन का यूज़ करते हैं। तो 1/f, तो 1/f क्या होगा, 15 है, तो 1/-15 इक्वल टू 1/v प्लस 1/-25। तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करना है एलसीएम लेके, एलसीएम 75 आएगा। तो यहाँ आएगा -5 + 3, तो हो जाएगा -2/75, आगे 1/v, तो v क्या आ जाएगा, 75/2, जिसको हम लोग लिखेंगे 37.5 निगेटिव में है, ठीक है। तो v आ गया 37.5 सेंटीमीटर। इसमें एलसीएम लेके सॉल्व किया है। अब देखो इमेज का पोजीशन मिल गया है, नेचर क्या है, हम लोग को पता है कि रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है कॉनकेव मिरर, है ना। सिर्फ एक ही केस होता है जिसमें वो वर्चुअल डायरेक्ट बनाता है, जिसमें इमेज जो होता है वो इस साइड बनता है, लेफ्ट साइड में। लेकिन यहाँ पर इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज जो होता है उसमें राइट साइड में बनता है, सॉरी इमेज उसमें राइट साइड में बनता है, लेकिन हर केस में इसमें लेफ्ट साइड में ही इमेज बनता है। तो इसमें कहाँ बन रहा है इमेज, लेफ्ट साइड में बन रहा है, क्योंकि निगेटिव आ रहा है, ठीक है, निगेटिव आ रहा है, तो यानी कि लेफ्ट साइड में बन रहा है। तो ये क्या होगा, कॉनकेव मिरर रियल और इन्वर्टेड इमेज देता है, ठीक है। नेचर साइज़ निकालेंगे। अब देखो अब मैग्नीफिकेशन निकालना है, तो हम लोग के पास ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, तो अपन इसका यूज़ कर सकते हैं ना। तो इसका यूज़ करेंगे एच डैश निकालने के लिए, यानी कि इमेज का हाइट। तो ऑब्जेक्ट का हाइट 4 है, -37.5 / u क्या है, -15, तो ये माइनस से ये माइनस कर गया, -37.5 × 4/15। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -6 सेंटीमीटर आएगा। तो देखो ये है इमेज का साइज़ और ये है ऑब्जेक्ट का साइज़, तो ऑब्जेक्ट 4 है और इमेज 6 है, तो ये बड़ा हुआ ना, तो क्या होगा, ये एनलार्ज इमेज, ठीक है। तो इसमें हम लोग का स्टेटमेंट क्या लिखना है, द इमेज इज़ फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 37.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, एंड द नेचर इज़ रियल एंड इन्वर्टेड विद अ मैग्नीफिकेशन ऑफ 6 सेंटीमीटर, या इमेज इज हैविंग अ हाइट ऑफ 6 सेंटीमीटर, है ना। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, स्टे ट्यून्ड।